सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे ये वीडियो। जो बच्चे प्लस टू के ड्यूरिंग अब जब बाद तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और शुरुआत में ही वो सीपीयू की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ 15 फरवरी 2024 से फॉर्म है, मतलब आज से 20-25 दिन बाद आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे 14 फरवरी को, ठीक है। हर साल ये वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता, चेंज होती रहती है, ठीक है। कभी कितनी आ गई, कभी कितनी आ गई, लेकिन हर साल आती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सॉरी, 14 मार्च से नहीं, 15 फरवरी से, सॉरी 15 फरवरी से इसके फॉर्म है और 14 मार्च लास्ट डेट है ये हमारे सीपीओ की। मई जून 2024 में हर साल एग्जाम, ये रेगुलर होता है। अपने जो नेट का पेपर होता है 21 जून 22 दिसंबर का, इसी तरीके से हर साल सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस हर साल आती। तो 15 फरवरी 2024 से फॉर्म शुरू है, 14 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अपीयरिंग वाला इसमें नहीं दे सकता। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, नो क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट अपनी तैयारी को शुरुआत से इसको अच्छा लेकर चलो। आ जाओ सिलेबस, मैं नए बच्चों के लिए बता देता हूँ। ऐसे फीस 100 रुपये है सबके लिए बेटा, ठीक है, 100 रुपये है महिला के लिए भी, और महिला और एससी कैटेगरी के लिए फ्री है, ठीक है। इसकी एज है बेटा 18 से 25, रिलैक्सेशन आपको पता है ओबीसी में 3 की और एससी में 5 साल की छूट मिलती है। अब ये भर्ती कौन सी है? सब इंस्पेक्टर की भर्ती है सर। किस कौन कौन सी, कहाँ कहाँ? सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, CISF, BSF, ITBP, सब बताऊंगा जहां जहां सब इंस्पेक्टर आप लग सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में, किरण की पिनाइकल्स की वहां से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ब्लैक बुक से वोकैबरी करनी है, नीतू मैम वाली से इंग्लिश, या कुलदीप नागपाल सर की भी बुक आ रही इंग्लिश की जबरदस्त, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, किताब के बुक्स के लिए अलग से वीडियो होगी आपके लिए, ठीक है। ये आप SSC CPN दिल्ली पुलिस, CISF, BSF, ITBP, CRPF और SSB सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये आपकी है 35,000 4200 ग्रेड पे की, बहुत अच्छी जो मानी जाती है 4200 में, ठीक है। यही सिलेबस रहेगा जो हमारी जीके है 50 नंबर की, हमारा जो मैथमेटिक्स है 50 का, इंग्लिश और रीजनिंग 50-50 की 200 का। ये जो नंबर ऑफ 200 है 200 मार्क्स का होता है सीपीओ में, 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी होती है बेटा। पर्सन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का मतलब आप समझते हो जो एग्जाम कंडक्ट हो आ जाता है। इसके बाद मेंस में एक इंग्लिश का पेपर होता है जहां पर आपको कंप्लीट इंग्लिश पूछी जाती है 200, ठीक है ना। ये रहा आपका, ये रहा 200 संख्या, 200 दो घंटे की अवधि रहती है, ठीक है। और इसमें जो फिजिकल रहता है वो फिजिकल ये रहता है 170 सेंटीमीटर हाइट होती है जर्नल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। टेस्ट में कोई नहीं निकलता है, ठीक है, चेस्ट का कोई नहीं है, 80-85 की फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, ठीक है। महिला के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होती है और पुरुष के मेल कैंडिडेट के लिए 170 होती है, ठीक है। चलो सर अगला, सर ये हमारा फिजिकल का है कि आपको 100 मीटर रेस 16 सेकंड, एक मतलब आपकी 1.6 किलोमीटर रेस, ये लिख रखा है 6.5 मिनट में, 3.6 किलोमीटर लॉन्ग जंप, तीन चांस लॉन्ग जंप के, तीन चांस मिलते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर हाई जंप होता है हमारा, तीन चांस मिलते हैं। तीन का मतलब कोई किसी में हम रह जाते हैं कि ये हमसे ठीक नहीं हुआ तो फॉल हो गया कई बार, तो तीन चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट इतना ही फेंक दोगे, नॉर्मल है, ठीक है। और ये फीमेल के लिए 100 मीटर रेस, ठीक है, 800 मीटर रेस, सॉरी 4 मिनट में, 2 पॉइंट सर ये लॉन्ग जंप और हाई जंप जो दिल्ली पुलिस का नॉर्मल फिजिकल होता है, सेम फिजिकल है लगभग, ठीक है ना। कोई वो नहीं है इसमें ज्यादा सा, फिजिकल में कोई नहीं निकलता भाई, सीधी सी बात यह है। और मेडिकल में भी 1-2% होता कि कलर ब्लाइंड हो, बाकी आपका जो पेपर सीपीओ में जो आप सब इंस्पेक्टर लगते हो दिल्ली पुलिस में, सब इंस्पेक्टर सबसे टॉप की जॉब है इसमें दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसके बाद मानी जाती है CISF, CISF में आप इंडस्ट्रियल एरिया में करोगे या मेट्रो सिटी में जॉब करोगे, जैसे मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा होगा जो हमारे जवान खड़े रहते हैं वो CISF के, एयरपोर्ट पे देखा होगा वो सारे CISF के जवान होते हैं, NTPC या जितनी भी हमारी माइंस हैं, हमारी ये थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर सारी CISF लगी होती है, ठीक है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल वाली जो, तो ये CISF होती है। और दिल्ली पुलिस डायरेक्ट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की होती है। फिर जो स्टेट सब इंस्पेक्टर की आती है, जैसे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, वो स्टेट एग्जाम में आती है, ये SSC कंडक्ट करती है, लाइक CGL, लाइक CHSL, MTS। सिलेबस वही है, पैरामीटर कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा स्लाइटली कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा हाई लेवल रहो,
लगभग 6 महीने की तैयारी पूरी शिद्दत से, जिसका बेस अच्छा वो 6 महीने में ये जॉब ले मरता है भाई, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। और कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहते हो, सीपीयू के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो बुक्स के बारे में होगी, और हमारे साथ स्टडी मंत्रा के साथ गणतंत्र दिवस पर, 75वें गणतंत्र दिवस पर मंत्रा 50 कोड लगाकर आप आधी फीस में हमारे साथ सीपीओ के बैच में जुड़ सकते हो, या किसी भी अन्य जो आपका बैच सीजीएल सीपीओ या जो भी आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।